हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज की शूट में हम बात करेंगे कि आखिर पे बैक 2020 में रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन क्यों बने और इसके पीछे के क्या तीन रीजन है, और क्या अभी एक बैक स्टेज रूमर्स निकल के आ रही है जो कि गुड न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है रोमन रेंज के फैंस के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा ही गाइज आपको पता होगा कि पे बैक 2020 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है बिटवीन फिंड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंज के बीच में। गाइज आपको पता होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो काफ़ी वीडियो मैंने पहले आपको बताया था कि इस मैच में WWE ने स्टिपुलेशन ये ऐड कर दिया है कि ये मैच हमें नो होल्ड्स बार्ड मैच देखने को मिलेगा। इस मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि नो डिस्क्वालिफिकेशन का मैच हमें देखने को मिलेगा। गाइज जस्ट ऐसा ही होता है। और इस मैच में हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले आते हैं फिंड अपने थीम सॉन्ग के साथ, ब्रॉन स्ट्रोमैन भी थीम सॉन्ग के साथ नहीं आते हैं, और गाइस रोमन रेंज का तो हमें थीम सॉन्ग के साथ देखने को मिलता है। लेकिन गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, पहले फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच में रेसल करते हैं, और उसके बाद गाइस होता क्या है, पहले रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और उसके बाद पहले वो फिंड को पिन करने का कोशिश करते हैं, तो गाइस पहले वो किक आउट कर देते हैं, फिर स्टिल वो क्या करते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करने का कोशिश करते हैं तो वो भी किक आउट कर देते हैं। और गाइस जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं, जब फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन का हमें फाइट देखने को मिलता है तो गाइस क्या होता है, लेकिन गाइज उसके बाद क्या करते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्पेयर मार के पिन कर देते हैं और वो हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं, यानी कि रोमन रेंज हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं एट पे बैक 2020 में। तो गाइज ऐसे तीन रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि WWE ने ऐसा क्यों किया रोमन रेंज के साथ और उनको क्यों यूनिवर्सल चैंपियन बनाया गया पे बैक 2020 में। और गाइज नंबर वन पे जो रीजन निकल के आ रहा है वो रीजन और नहीं बल्कि उनका हील कैरेक्टर का रीजन है। गाइज आपको पता होगा कि जब SummerSlam 2020 में हमें उनका रिटर्न देखने को मिलता है तो किसी लोगों ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि हमें उनका हील कैरेक्टर में रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन गाइज हमें उनका हील कैरेक्टर में रिटर्न देखने को मिलता है। अब गाइज आपको पता होगा कि WWE में हील कैरेक्टर को ज़्यादा पुश किया जाता है। वेल गाइज अगर आप मेरे चैनल पे और भी बहुत दिन से मेरे को फॉलो करे होंगे तो काफ़ी वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि WWE के बैकस्टेज प्लान है कि फुल टाइमर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को बनाया जाएगा, यानी कि जैसा कि ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर हमें WWE में देखने को मिल रहा है उस टाइप का रोमन रेंज का कैरेक्टर बनाया जाएगा। और गाइज हमें क्या देखने को मिलता है कि जिस टाइप से ब्रॉक लेसनर का हमें रिटर्न देखने को मिला था हेल इन अ सेल में, उसी टाइप से हमें आज उनका रिटर्न देखने को मिलता है। AEW के ऑफिशियली टाइप से ये मैच हमें देखने को नहीं मिलता है, रोमन रेंज आके पिन कर देते हैं और वो हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं। तो गाइज जो नंबर वन पे रीजन निकल के आ रहा है उनका और कोई नहीं बल्कि हील कैरेक्टर है, और गाइज नंबर टू पे जो रीजन निकल के आ रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि रेटिंग है। गाइज आपको पता होगा कि जब WWE में कोई हील कैरेक्टर का रोल होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा बूम मिलती है, और जब से वो रेसलमेनिया में हराए हैं अंडरटेकर को उनको कुछ ज़्यादा ही बूम मिल रही थी। और गाइज आपको पता होगा कि मंडे नाइट रॉ और इवन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रेटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो गाइज ऐसा हो सकता था कि WWE ने ऐसा किया कि फेस कैरेक्टर को नहीं बल्कि हील कैरेक्टर को चैंपियन बनाया जाएगा और इसके कारण रेटिंग में भी बूस्ट मिलेगी, क्योंकि गाइज आपको पता हो कि काफ़ी बड़े कंपनी के नाम आते हैं रोमन रेंज, तो इसलिए गाइज WWE ने सोचा कि रेटिंग को भी बूस्ट मिल जाएगा और क्यों नहीं यूनिवर्सल चैंपियन बिग डॉग रोमन रेंज को ही बनाया जाए एट पे बैक 2020 में। और गाइज नंबर थर्ड पे रीजन निकल के आ रहा है, जैसा ही गाइज आपको पता होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे और भी बहुत दिन से मैंने को एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो काफ़ी वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का हमें हील कैरेक्टर देखने को मिल चुका है और फिंड का हमें फेस देखने को मिल चुका है। तो गाइज आपको पता होगा कि जब फिंड फेस हो चुके हैं और रोमन रेंज ऑटोमेटिक हील बन चुके हैं, तो कुछ यही कारण थे गाइज कि जो विंस मैकमैन को मजबूर होना पड़ा रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियन बनाने के लिए पे बैक 2020 में। और गाइज जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैड न्यूज़ क्या आ रही है बिग डॉग के, तो गाइज आपको पता होगा कि जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पे बैक 2020 का हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है तो हमें वहाँ पे क्या ड्रामा देखने को मिलता है कि फिंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लेते हैं, ये बोलिए कि ब्रे वायट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लेते हैं, इवन ब्रॉन स्ट्रोमैन भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लेते हैं, लेकिन गाइज विंस ने उसमें एक ऐसा स्टिपुलेशन ऐड कर दिया था कि उन्होंने बोला था कि जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो जाएगा उससे पहले तुमको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाना है। लेकिन गाइज हमें क्या देखने को मिलता है, रोमन रेंज पे बैक 2020 में इस मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हैं और उसके बाद वो यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं। तो गाइज ऐसे बैक स्टेज रूमर्स निकल के आ रहे हैं, आप ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाएगा। और गाइज ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जब WWE ने
फाइनली ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है कि 27 सितंबर 2020 को हमें देखने को मिलने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि वैकेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का हमें फिर से ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, यानी कि गाइज ऐसा होगा कि जो इसके बाद का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा वहाँ पे विंस मैकमैन रोमन रेंस को बोलेंगे कि ये तुमने ऑफिशियली तरीका से तुमने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को नहीं जीता है और ये तुम्हारा यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं है। और गाइज उसके बाद होगा क्या, हमें वैकेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और उसके बाद गाइज होगा क्या, क्लैश ऑफ चैंपियंस में हमें इन तीनों सुपरस्टार का फिर से एक मैच देखने को मिलेगा और जो भी इस मैच को ऑफिशियल टाइप से जीतेगा वो हमारे यूनिवर्सल चैंपियन कहलाएगा एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। तो गाइज कुछ यही अपडेट आ रही थी। मैं समझ सकता हूँ गाइज कि जो भी रोमन रेंस के फैन होंगे वो मेरे पे गुस्सा होंगे, लेकिन जस्ट ये अपडेट थी तो मेरा तो हक बनता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।